हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में जितने भी एनआईटीज हैं उनके सीएससी ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है। मीन्स ऑल 31 एनआईटीज में आपको सीएससी ब्रांच में अगर एडमिशन्स लेना है देन किस लास्ट रैंक तक आप वहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हो, उसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। सर, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने टॉप 10 एनआईटीज का सीएससी का क्या क्लोजिंग रैंक्स जाता है उस पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है। सो इस वीडियो में सिर्फ हम रिमेनिंग एनआईटीज पर बात करेंगे। सो अगर कोई भी बच्चा टॉप 10 एनआईटीज के बारे में जाकर देखना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम सब रिमेनिंग एनआईटीज के बारे में ही बात करने वाले हैं एंड उसके सीएससी का क्या क्लोजिंग रैंक रहता है उसके बारे में हम सब बात करेंगे। सो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपको आगे वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ये जो मैं कट ऑफ आपका लिया हूं ये है जोसा के लास्ट राउंड का कट ऑफ, मींस 6th राउंड का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको लास्ट राउंड तक भी यहां पे मिल पाएगा कि नहीं सीएससी में एडमिशन किसी भी एनआईटीज में। इसके अलावा ये जो कट ऑफ होने वाला है यहाँ पे मैं आपको होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों स्टेट का कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो कट ऑफ होने वाला है ये है जेंडर न्यूट्रल का, यहाँ पे हम सब सारे ही कैटेगरीज का कट ऑफ जानेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बच जाता है वो ये कि सीआरएल रैंक यूज किया है या मैंने कैटेगरी रैंक इस वीडियो में यूज किया है। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनका सीआरएल रैंक होगा वहाँ पे एंड जितने भी अदर रिजर्व कैटेगरीज वाले बच जाते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी कैटेगरीज वाले हो गए, वो उनका रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक वहाँ पे वीडियो में यूज किया गया है। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जो लिस्ट में हमारा पहला एनआईटी है वो है आईआईईएसटी शिवपुर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1856 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 114 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है। बात करें वहीं रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 40 रैंकिंग दी गई है 2022 में। बात करें इस कॉलेज के ट्यूशन फीस का तो 68,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। वहीं बात करें प्लेसमेंट्स के ऊपर तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 45 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 6.5 से लेके 7.5 एलपीए के बीच में वेरी करता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का, मीन आईआईईएसटी शिवपुर में सीएससी ब्रांच का क्या क्लोजिंग रैंक जाता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। पहले हम सब जानेंगे होम स्टेट का एंड उसके बाद अदर स्टेट का। होम स्टेट में जनरल कैटेगरी का बात करें तो 9720 के अराउंड में क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 11700 के अराउंड में क्लोज हो गया था। वहीं बात कर अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 12,000 से अंडर आपका रैंक होना चाहिए, सो आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हो। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट में 4,537 के अराउंड में क्लोज ये हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप चाहे तो वो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा सेकंड एनआईटी है वो है एमएनएनआईटी इलाहाबाद, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1961 में। कैंपस एरिया का बात करते हैं 222 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 47 रैंकिंग दी गई है। जो भी मैं आपको एनआईआरएफ में रैंकिंग बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2022 का एंड जो मैंने एनआईटी यहाँ पे प्लेस किए हैं नंबर वाइज वो आपका एनआईआरएफ रैंकिंग वाइज मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। बात करें ट्यूशन फी के ऊपर 81,500 पर सेमेस्टर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगेगा। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज में हॉस्टल या मेस सर्विस लेते हो देन उसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बात करें इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स का तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 51.75 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें ओवरऑल सारे ब्रांचेज का देन 13.55 एलपीए यहाँ का ओवरऑल सारे ब्रांचेज का एवरेज पैकेज है। वहीं बात करें सीएससी के एवरेज पैकेज का तो 19 लाख के अराउंड में यहाँ पे सीएससी का एवरेज पैकेज जाता है। अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि एमएनएनआईटी इलाहाबाद में सीएससी का क्या क्लोजिंग रैंक जाता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 4663 तक क्लोज हो गया था। वहीं बात करें होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए 1827 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। उसके बाद बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 2751 के अराउंड में क्लोज हो गया था एंड अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 1279 के अराउंड में ये क्लोज हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी जलंधर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1987 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 150 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 52 रैंकिंग दी गई है एंड बात करें ट्यूशन फी को लेकर 1.59 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। वहीं बात करें प्लेसमेंट्स को लेकर तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 44 एलपीए का है, जो कि 36 स्टूडेंट्स को ऑफर किया गया था अमेजॉन द्वारा एंड वहीं बात करें एवरेज पैकेज का 15.71 एलपीए का यहाँ का एवरेज पैकेज है, जो कि सीएससी ब्रांच का है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि एनआईटी जलंधर में अगर आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है आपको कितना रैंक वहाँ पे लाना पड़ेगा लास्ट राउंड तक, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 12,700 अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 11,000 के अंडर आपको रैंक लाना पड़ेगा होम स्टेट में अगर आप हैं तो आपका यहाँ पे इजिली एडमिशन हो जाएगा। एंड बात कर लेते हैं अदर स्टेट के लिए, देन जनरल कैटेगरी के लिए बात करें अदर स्टेट में 9,100 अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है।
ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 3000 अराउंड में आपको रैंक लाना पड़ेगा, 3000 से अंडर ही लाना पड़ेगा, सो आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। बाकी अदर कैटेगरीज का आप पॉज करके देख सकते हैं। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है SVNIT सूरत, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1961 में। कैंपस एरिया की बात करें तो 250 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर, जिसको NIRF इंजीनियरिंग में 58 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का, 1.31 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप इस कॉलेज में हॉस्टल या मेस सर्विस लेते हैं तो उसका फीस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। बात करें इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स का, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 44 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 15.22 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज जाता है, जो कि CSE ब्रांच का है। अब हम सब बात कर लेते हैं कटअप का कि SVNIT सूरत में CSE ब्रांच का क्या क्लोजिंग रैंक्स जाता है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 7580 क्राउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 3100 क्राउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अदर स्टेट में बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 5300 क्राउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है, एंड ओबीसी कैटेगरी का बात करें अदर स्टेट के लिए 2200 क्राउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। मींस अगर आप 2300 के अंडर भी रैंक लाते हो तो आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो पाएगा। ये जो मैंने रैंक यूज किया है जनरल कैटेगरी के लिए वो उनका CRL रैंक है, एंड बाकी अदर कैटेगरीज के लिए वो उनका रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक होने वाला है। और जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT मेघालय, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। काफी नया कॉलेज है। कैंपस एरिया का बात करें तो 300 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको NIRF इंजीनियरिंग में 60 रैंकिंग दी गई है। ट्यूशन फीस का बात करें 1.53 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। प्लेसमेंट्स का बात करें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 46 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 13 LPA का है। सिर्फ CSE ब्रांच का अगर एवरेज पैकेज देखें तो वो 15 LPA तक जाता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि NIT मेघालय में आपको CSE में जाने के लिए कितना रैंक वहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 92,000 तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। SC कैटेगरी के लिए बात करें 20,300 तक राउंड में यहाँ पे एडमिशन हुआ था। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 19,700 तक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 6,500 मीन 6,500 के अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला NIT है वो है NIT पटना, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1886 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 40 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें वहीं रैंकिंग के ऊपर तो इसको NIRF इंजीनियरिंग में 63 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.34 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 44 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 7.56 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज है। एंड अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि NIT पटना में CSE ब्रांच का क्या क्लोजिंग रैंक्स जाता है, किस लास्ट रैंक तक आप वहाँ पे एडमिशन हो सकता है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 16,000 मीन 16,300 के अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। एंड वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ का होम स्टेट में 4500 मीन 4500 के अंडर आपका रैंक आता है, सो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए। बात करें वहीं अदर स्टेट वालों के जनरल कैटेगरी के लिए 14,000 मीन 14,300 के अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 4,600 तक यहाँ पे क्लोज हो गया था अदर स्टेट में। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला NIT है वो है NIT रायपुर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1956 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 100 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको NIRF इंजीनियरिंग में 65 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.26 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। वहीं बात करें प्लेसमेंट्स के लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 55 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें ओवरऑल सारे ब्रांचेस का 10.20 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज है ओवरऑल सारे ब्रांचेस का, एंड CSE ब्रांच का एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 15.48 लाख तक जाता है। अब हम सब जान लेते हैं कट ऑफ मीन्स NIT रायपुर का CSE ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। पहले हम सब जानेंगे होम स्टेट का एंड उसके बाद अदर स्टेट का। होम स्टेट में बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 18,200 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें होम स्टेट में 7,963 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। अदर स्टेट के लिए बात करें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10,900 तक यहाँ पे क्लोज हो गया था, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें अदर स्टेट में 3,300 अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट नंबर अगला NIT है वो है NIT श्रीनगर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1960 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 67 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको NIRF इंजीनियरिंग में 66 रैंकिंग दी गई है। वहीं बात करें ट्यूशन फीस को लेकर 1.31 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स का तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 22 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 6.8 LPA का है। ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताया ये 2020 है। एंड अब हम सब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में, मीन्स NIT श्रीनगर में आपको CSE ब्रांच में अगर जाना है आपको कितना रैंक वहाँ पे लाना पड़ेगा, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 24,463 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 53,829 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 26,253 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था, एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें होम्स अदर स्टेट में 7,180 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब जो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट NIT है मनेट भोपाल, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1960 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 650 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है। बात करें वहीं रैंकिंग के ऊपर तो इसको NIRF इंजीनियरिंग में 70 रैंकिंग दी गई है। ट्यूशन फीस का बात करें 1.38 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है।
वहीं बात करें प्लेसमेंट्स को लेके, तो हाइस्ट पैकेज यहाँ का 47 LPA का है, एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 7.57 LPA यहाँ का एवरेज पैकेज है। एंड ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताया ये भी आपके 2020 के हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ प्लेसमेंट यहाँ पे अभी बताया नहीं गया है, सो मैं नहीं चाहता कि आपको झूठ मूठ का कोई भी प्लेसमेंट्स आपको बता दो। एंड अगर किसी बच्चे को लेटेस्ट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड पता है सो कमेंट में बता सकता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का, मीन्स मैनेट भोपाल में जाने के लिए आपको सीएससी ब्रांच में कितना रैंक लाना पड़ेगा उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 9400 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 3620 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। एंड वही बात करें अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के लिए 7200 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 2500 रैंक तक अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो जाता है। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। अब जो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट एनआईटी है वो है एनआईटी अगरतला, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1965 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 365 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईएफ इंजीनियरिंग में 80 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.43 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। एंड एज में फीस आपको बता रहा हूँ ट्यूशन फीस ये सिर्फ बीटेक कोर्सेज का है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाइस्ट पैकेज यहाँ का 14 LPA का है। एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो अराउंड 7 लाख तक इसका एवरेज पैकेज जाता है। एंड एज मैंने प्लेसमेंट्स बताया ये भी 2020 के हैं, क्योंकि इन जो भी कॉलेजेस में आपको फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो कि 2020 के, इनके ऑफिशियल पेज पर ऐसे प्लेसमेंट्स कुछ अपडेट ही नहीं किया गया। एंड बाकी अदर जो भी साइट्स पर मैं देख रहा हूँ तो उल्टा सीधा वहाँ पे प्लेसमेंट्स बताया जा रहा है। सो अगर कोई भी बच्चा एनआईटी अगरतला का प्लेसमेंट जानता है देन कमेंट में वो बता सकता है। बात करें कट ऑफ को लेके कि एनआईटी अगरतला में अगर आपको सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है देन आपको कितना रैंक वहाँ पे लाना पड़ेगा उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 66,000 अराउंड तक आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21,000 तक जाता है यहाँ पे होम स्टेट के लिए। एंड वही बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 19,000 में 19,692 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए 7,000 के अंडर आपका रैंक आता है अदर स्टेट में देन आपको चांसेस है कि यहाँ पे आपका एडमिशन मिल जाएंगे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी गोवा, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 120 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईएफ इंजीनियरिंग में 88 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.31 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाइस्ट पैकेज यहाँ का 20 LPA का है। एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 7.61 LPA का है। ये जो मैंने प्लेसमेंट्स बताई ये 2021 के हैं। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके कि एनआईटी गोवा का सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ जाता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 22,600 के अराउंड में यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 20,300 के अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। बात करें वहीं अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए देन 11,400 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 4,032 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज ये हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनआईटी है वो है एनआईटी जमशेदपुर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1960 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 325 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। वहीं बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईएफ इंजीनियरिंग में 90 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.46 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। एंड हॉस्टल और मेस का आपको अलग फीस वहाँ पे करना पड़ेगा। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाइस्ट पैकेज यहाँ का 37.5 LPA का यहाँ का हाइस्ट पैकेज है। एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 9.38 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज जाता है। वहीं बात करें सिर्फ सीएससी ब्रांच के एवरेज पैकेज का तो 15.24 LPA यहाँ का सीएससी का एवरेज पैकेज है। ये जो मैंने प्लेसमेंट्स बताई है 2021। अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके कि एनआईटी जमशेदपुर में सीएससी ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है, किस लास्ट रैंक तक आपका एनआईटी जमशेदपुर में सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो सकता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 10,100 अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था लास्ट ईयर। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 3,700 अराउंड में यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 8,570 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 2852 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज ये हो गया था। लास्ट ईयर के कट ऑफ से ये फायदा होता है कि आपको उसके आसपास ही रैंक लाना पड़ता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि अगर आपका रैंक जो इसके आसपास है सो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अब जो हमारा लिस्ट में नेक्स्ट एनआईटी है वो है एनआईटी मणिपुर, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 341.5 एकड़स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईएफ इंजीनियरिंग में 108 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.32 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाइस्ट पैकेज आएगा 42.5 LPA का है। एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 8.7 LPA का यहाँ का एवरेज पैकेज है। ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताया ये 2021 के हैं। अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके कि एनआईटी मणिपुर में सीएससी ब्रांच का क्या क्लोजिंग रैंक्स जाता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट में 2,65,000 तक यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत लास्ट रैंक तक भी अगर आपका आता है जनरल में सो आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो। वहीं बात करें अदर स्टेट में अगर आप होम स्टेट के लिए हो तो, वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 29,000 तक यहाँ पे क्लोज ये
हो जाता है। सो यहाँ पे होम स्टेट वालों को काफी फायदा मिलता है। वह बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए होम स्टेट में 1,37,000 तक आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा एंड ये ओबीसी का कैटेगरी रैंक है। वहीं बात करें अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए 9,000 के अंदर आपको यहाँ पे रैंक लाना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सो होम स्टेट वालों को काफी फायदा मिलने वाला है एनआईटी मणिपुर में। इसके बाद जो हमारा लिस्ट में नेक्स्ट एनआईटी है वह एनआईटी हमीरपुर जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1986 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 320 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 128 रैंकिंग इसको दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.46 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स के लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 2022 का इस बार 1.12 करोड़ का था एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 10.3 एलपीए का है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि एनआईटी हमीरपुर में जाने के लिए आपको सीएससी ब्रांच में कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा जेईई मेंस में उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए देन 21,000 रैंक के अंडर अगर रैंक लेके आप आते हो देन आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 20,000 के अंडर आपको रैंक लाना पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी होम स्टेट के लिए, सो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए देन 10,500 तक रैंक मीन्स 11,000 के अंडर आपका रैंक आना चाहिए, सो आप एडमिशन ले सकते हो। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 3,500 के अंडर आपका रैंक यहाँ पे होना चाहिए अदर स्टेट में अगर आप हो, सो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो सीएससी ब्रांच में। जो लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एनआईटी है वह एनआईटी उत्तराखंड जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 300 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। रैंकिंग के ऊपर बात करें तो एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में इसको 131 रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.40 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स के लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 34 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 10 एलपीए का है। एंड ये जो मैं आपको प्लेसमेंट्स बताई है 2022 के हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है। बात करें इसको कट ऑफ को लेके कि एनआईटी उत्तराखंड का सीएससी का क्या कट ऑफ जाता है उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 29,199 रैंक यहाँ पे क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 15,000 के अंडर आपका रैंक होना चाहिए अगर आप होम स्टेट में हो ओबीसी कैटेगरी में, सो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अदर स्टेट के लिए बात करें जनरल कैटेगरी में 16,600 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 5,800 तक रैंक अगर आप लेके आ पाते हो सो आप यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा आपका। इसके बाद जो लिस्ट हमारा नेक्स्ट एनआईटी है वो है एनआईटी पुडुचेरी जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 258 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 136 रैंकिंग इसको दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस को लेकर 1.35 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। एंड बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 31 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 6 एलपीए का है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 81,300 करोड़ में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें होम स्टेट में 37,550 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 16,100 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 5,100 तक अगर आप रैंक लेके आ पाते हो सो आपका यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। बाकी अदर कैटेगरीज का चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे भी होम स्टेट वालों को काफी फायदा मिलता है। देख सकते हो आप डिफरेंस कि जनरल कैटेगरी में अगर आप होम स्टेट में देन आपको 81,000 रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो आपका 16,000 तक यहाँ पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। सो काफी फायदा मिलने वाला है होम स्टेट वालों को। इसके बाद जो लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 301 एकड़ का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग के ऊपर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 171 रैंकिंग इसको दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.41 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 12 एलपीए का है एंड वहीं बात करें एवरेज पैकेज का था वो 6.2 एलपीए का है। ये जो मैंने प्लेसमेंट्स बताया ये 2020 के हैं क्योंकि इसका जो अपडेटेड अभी नहीं बताया गया कि प्लेसमेंट्स क्या है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 2,07,000 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए 74,000 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज ये हुआ था। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 28,700 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था एंड वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट वालों के लिए 10,000 के अंडर मीन 9,500 के अंडर आपका रैंक आता है, सो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बाकी अदर कैटेगरीज का आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी सिक्किम जो कि स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 3 एकड़ का कैंपस एरिया काफी छोटा है, इतने ही कैंपस में इसको बनाया गया है। बात करें रैंकिंग को लेकर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 173 रैंकिंग इसको मिली हुई है। बात करें ट्यूशन फीस का देन 1.33 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 15.5 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 6.38 एलपीए का है। ये जो प्लेसमेंट्स मैंने बताया ये 2020 के हैं। बात करें कट ऑफ को लेके तो जनरल कैटेगरी के लिए होम स्टेट में 2,02,000 तक यहाँ पे जाता है एडमिशन। वहीं बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए
होम स्टेट में 1,11,800 तक यहाँ पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 26,400 के राउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं 7,500 तक लास्ट ईयर यहाँ पे क्लोज ये हो गया था। सो एनआईटी सिक्की में भी होम स्टेट वालों को काफी फायदा मिलने वाला है। इसके बाद जो लिस्ट हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी दिल्ली, जो कि एस्टेब्लिश हुआ 2010 में। कैंपस एरिया का बात करते तो 51 एकड़स का इसका कैंपस एरिया है। रैंकिंग के ऊपर बात करें तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 194 रैंकिंग इसको दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.59 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 46 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो वो 9.5 एलपीए का है। ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताएं 2021 के हैं। इसके अलावा बात करें एवरेज पैकेज सिर्फ सीएससी ब्रांच का तो 12 लाख अराउंड तक आपका एवरेज पैकेज जाता है सीएससी का। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 11,100 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें 7,000 तक यहाँ पर रैंक जाता है एडमिशन के लिए। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए 7,600 अराउंड में लास्ट ईयर क्लोज हो गया था एंड ओबीसी कैटेगरी का जो है 3,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन क्लोज ये हो गया था अदर स्टेट वालों के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी नागालैंड, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 291 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग को लेकर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 201 से लेकर 250 के बीच में इसको रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.34 लाख पर ईयर आपका यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस पढ़ने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स के लेके तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 11 एलपी का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 5.32 एलपी का है। ये जो मैंने आपको प्लेसमेंट्स बताया 2020 के हैं। बात करें कट ऑफ को लेके तो होम स्टेट में आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी ये सब नहीं होता, सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए एडमिशंस होते हैं एंड एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक जाता है सीएससी ब्रांच के लिए तो वो 11,800 तक लास्ट ईयर यहाँ पे क्लोज ये हो गया था। मीन्स 12,000 के अंडर आपको रैंक लाना पड़ेगा सो आपको यहाँ पे एडमिशंस मिल जाएगा। वहीं बात करें अदर स्टेट वालों के लिए देन जनरल कैटेगरी के लिए 31,000 तक रैंक हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करते हैं 9,000 के अंडर आपका रैंक होना चाहिए सो आप इजीली एनआईटी नागालैंड में सीएससी ब्रांच में एडमिशंस ले लोगे। और जो हमारे लिस्ट में लास्ट एनआईटी है वो है एनआईटी आंध्र प्रदेश, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। कैंपस एरिया का बात करें तो 178 एकर्स का कैंपस एरिया है। बात करें रैंकिंग को लेकर तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 251 से लेकर 300 के बीच में इसको रैंकिंग दी गई है। बात करें ट्यूशन फीस का 1.37 लाख पर ईयर आपका यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फीस लगने वाला है। बात करें प्लेसमेंट्स को लेकर तो हाईएस्ट पैकेज का 32 एलपीए का है एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 6.54 एलपीए का है जो कि 2021 का है। बात करें कट ऑफ को लेकर कि एनआईटी आंध्र प्रदेश का क्या कट ऑफ जाता है सीएससी ब्रांच का, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से देन 15,000 के अंडर आपको रैंक लाना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें देन 5,000 के अंडर आपको रैंक लाना पड़ेगा होम स्टेट से अगर आप हो। वहीं बात करें अदर स्टेट के लिए देन जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन है 18,700 के राउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था। वहीं बात करें अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए देन 5,600 तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो पॉज करके देख सकते। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में जितने भी एनआईटीज हैं इंडिया में उनके सीएससी ब्रांच का क्या क्लोजिंग रैंक जाता है, मीन किस लास्ट रैंक तक आप एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपने जो रैंक यहाँ पे स्कोर किया है उसके बेसिस पर आपको कौन सा एनआईटी मिलेगा। एंड इसके अलावा जितने भी एनआईटीज हैं उनके ईसी ब्रांच का भी कट ऑफ आने वाला है, मीन ऑल 31 एनआईटीज के ईसी ब्रांच का कट ऑफ आने वाला है बहुत ही जल्द। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।